नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो क्लासेस की वीडियोज आप देखते हैं मेरे चैनल्स में, जो कि 30 घंटे, 30 मिनट, 40 मिनट की होती है, 1 1 घंटा का होता है, 2 घंटे की भी होते हैं, वो सारे वीडियोज हमारे लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स है। क्योंकि तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर प्लीज छोटी वीडियो बनाए, बड़ी वीडियो ना बनाए, तो मैं स्पेशली यूट्यूब पे रिकॉर्ड करने के लिए वीडियोज नहीं बनाता हूं। मेरी जो क्लासेस होती है, हम उसी क्लासेस की वीडियोज अपलोड करते हैं। तो क्लासेस कहाँ होती है? तो क्लासेस होती है हमारी जूम ऐप के थ्रू लाइव क्लासेस, जो कि आप अपने घर से ले सकते हैं। चलिए, जरा मैं आपको बोर नहीं करूंगा, हम आज की टॉपिक पे आते हैं, जिस टॉपिक के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो टॉपिक है कि हमारा एक सीट है, एक रिपोर्ट फाइल होती है, उसमें मैं चाहता हूं मुझे इस फाइल में जितने भी सीट है उस सीट का लिस्ट यहां पे दिखे, और कल के डेट में अगर सीट इंसर्ट होती है तो उस सीट का लिस्ट ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में ऐड हो जाए, और कल के डेट में अगर चेंज होती है डेट तो भी चेंज हो जाए। तो सिंपल सा हमारा सवाल है, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और किसी और को सेंड करना है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो ये चीजें जो होगी वो चीजें नॉर्मल एक्सेल से पॉसिबल नहीं है लिस्ट निकालना, क्योंकि नॉर्मल एक्सेल से आप ये कर सकते हैं कि जो करेंट फाइल है उसका नाम यहां निकाल सकते हैं, या फिर जितने नंबर ऑफ शीट्स हैं, जितने मतलब नंबर ऑफ आपके शीट्स हैं, हर शीट पे रेफरेंस देंगे तो हो सकता है, मतलब कोई चेंज करेगा तो चेंज हो सकता है। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेल का, सेल, और सेल में हम अगर हम फाइल नेम देते हैं, और इस फाइल नेम में जाके अगर मैं कोई रेफरेंस ले लेता हूँ किसी अनोदर शीट का, जैसे मैंने शीट इसका ही ले लिया, तो मुझे इस सेल शीट की कंप्लीट लेंथ पता चल जाती है। अब मैं इस पे फॉर्मूला लगाऊंगा फाइंड का, क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट देख रहे हैं हम, हाँ क्लोजिंग ब्रैकेट से ही सीखने में स्टार्ट हुआ है। तो स्क्वायर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट को हमने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये कॉमा हमने 1 कर दिया, तो यहाँ 35 आ गया, 53 माफ कीजिएगा, गलती बोल दी है। और फिर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा राइट का, राइट इसको सेलेक्ट किया, और फिर मैं लूंगा फॉर्मूला लेफ्ट, सॉरी लेन, लेन, और हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और -35, तो आपके सीट 5 आएगी। कल के रेट में सीट 5 को चेंज करके मैं कुछ भी नाम दूंगा तो ये अपने आप को चेंज कर देगा। तो ये चीजें तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो लिमिटेड शीट का हुआ कि कल के रेट में कोई नई शीट ऐड होगी तो फिर से दोबारा सारा फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम करेंगे वीवीए प्रोग्रामिंग। वीवीए प्रोग्रामिंग सिंपल है, कोई बड़े चीज लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप डेवलपर टैब में जाए विजुअल बेसिक पे, अगर डेवलपर टैब नहीं है तो ला सकते, या फिर सिंपल Alt F11 को प्रेस कर दे, आपका विजुअल बेसिक वीवी एडिटर, वीवी एडिटर जो होता है वो आपके सामने आ जाए। अब इंसर्ट करना है आपको यहाँ पे एक मॉड्यूल्स को, और मैं फंक्शन बनाता हूँ, फॉर्मूला बनाता हूँ, फंक्शन नाम देता हूँ सीट नेम, मतलब कि SN, और हम N एज ए लॉन्ग कर देंगे यहाँ पे, लॉन्ग इंटीजर टाइप, और हमें सिंपल से लिखना है कि SN इक्वल टू शीट्स, और इसमें दे देंगे हम N डॉट नेम।
बना दिया आपने, उसके बाद हम सिंपल सा यहां पे देंगे एशन, एशन था ना, हाँ एशन एशन, और इसमें हम रो का फॉर्मूला, सीरियल नंबर देना है लेकिन हम रो का फॉर्मूला देते हैं, रो फॉर्मूला भी सीरियल नंबर का ही काम करता है। अच्छा एस एन हो सकता है कि ऑलरेडी एक डिफाइंड फॉर्मूला है, इस कारण से दिक्कत दे रहा है। इसे एस अंडरस्कोर एन, अच्छा माफ, हाँ माफ कीजिएगा, यहाँ पे एस एन होना चाहिए ना सर, यहाँ गलती हुई है, सुबह सुबह गलती हो रहा है, अब दिक्कत नहीं हो। और मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर, अब एरर आया क्योंकि ये सीट है ही नहीं, तो आप इफ एरर फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि इफ एरर, और यहां पे हमने कर दिया ब्लैंक, और फिर इसको नीचे ड्रैग कर दिया खाली, अब कोई सीट का नेम चेंज होता है, जैसे रेफरेंस को मैं कर देता हूं इसको एग्जाम्पल वन, एंटर मारा, देखिए रेफरेंस एग्जाम्पल वन हो जाना चाहिए, हो जाता है लेकिन कैलकुलेट नहीं हुआ है ऑटोमेटिक, लेकिन हो जाता है। कोई नई शीट हम ऐड करेंगे, शीट फोर, जिस पोजीशन ऐड होगा उसी पोजीशन में यहां आपको आ जाएगा। तो जैसे हम ऐड करेंगे, जैसे चेंज करेंगे यहां पर आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होता है, यहां से जाके रिफ्रेश कर दीजिए, कैलकुलेट नाउ कर दीजिए तो हो जाता है, या फिर इसको एक बार डबल क्लिक कर दीजिए, किसी भी एक पर डबल क्लिक कर दीजिएगा तो सब देख जाता है। ये यूजर डिफाइंड फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते, तो सिंपल चीज हमने अप्लाई की और हमने पा लिया। अब इसके ऊपर मैं चाहता हूं हाइपरलिंक भी लगाना, कि मैं जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे शीट थ्री शीट पे जाके एक्टिवेट हो जाए, तो वो चीजें भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा ये लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे @ &%, हाँ इस तरह का एक एड्रेस बनाना पड़ेगा, ये इस तरह से एड्रेस कन्वर्ट कर दिया आपने, ये आपका एड्रेस बन गया। और फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हाइपरलिंक का, हाइपरलिंक मैंने इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला मैं इस पर क्लिक करूंगा तो होम पेज आएगा, तो इसी तरीके से आप हमारी क्लासेस को कर सकते हैं, जूम ऐप के थ्रू आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन, आप अपने घर में मेरे साथ डायरेक्ट लाइव, और ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे एक एक घंटा होती है, सुबह 5 से लेकर रात के 11 बजे तक, इस बीच में आपको एक घंटे का बैच मिल जाएगा मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे वीकेंड क्लासेस भी आप चाहो तो ले सकते हैं हमारी, या क्लासेस लेने का टाइम नहीं तो आप हमारे डीवीडी भी परचेज कर सकते हैं। ये सब करने के लिए आप मेरे वेबसाइट iptindia.com पे जाएं या फिर ऊपर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके डायरेक्ट मुझे कॉल करें। जी हाँ, क्योंकि कमेंट मैं नहीं दिख पाता हूँ, बहुत सारे वीडियोज है, 2000 से ऊपर वीडियोज है, 40,000 सब्सक्राइबर है, तो उनकी सबको का देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऊपर से 18 घंटे की हमारी ऑनलाइन क्लासेज होती है तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने अपना नंबर शेयर कर रखा है, आपको कुछ पूछना हो डायरेक्ट कॉल मी, व्हाट्सएप मी, मैं आपको डायरेक्ट जवाब दूंगा, कमेंट करने की क्या जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।